नमस्ते। जन सरोकार मंच टॉक के इस फेसबुक पृष्ठ पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रजनी मोरवाल, जयपुर से। कहानी का नाम है मित्रों साथिन। दोस्तों की कहानी का शीर्षक है साथिन। जाना है, जाने दो हमें, छोड़ो ना। इसमें थोड़ा सा आगरा की तरफ की यूपी की कुछ भाषा में संवाद हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम कहानी लिखते हैं तो अन्य भाषाओं के शब्द या वाक्य भी हम प्रयोग में लेते हैं, तो वो कहानी के संदर्भ में समझ भी आ ही जाते हैं। तो कहानी यूँ है, जाना है, जाने दो हमें, छोड़ो ना, चल परे हट लड़के। ए दरोगा बाबू, सुनत रहे हो क्या? चू चपड़ लगा रखी है तुम लोगों ने। दारोगा जरा नाराज लहजे में बोला। या ये भी हो सकता है कि खाकी वर्दी ने उसकी आवाज़ को जबरन कर्कश बना दिया हो। बिना कलफ लगी आवाज़ का हवालदार तो पप्पू ही लगता है, सो आवाज़ में थोड़ा कड़कपना लाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी टोपी में एक सीधा तुर्रा खड़ा रहता है। जरा समझाओ तो इन लड़कन को, मुझे जाने नहीं देत रहे। मुझे जाना है अपनी साथिनों के पास, अम्मा फिर चिल्लाई थी। अम्मा पगला गई हो क्या? तुम ही तो नू कहत रही कि बुढ़ापा तुम हमार कंधा पे चर के काटोगी। अब जाना है कि रट लगाए मरी जा रही हो, मुरारी चीखा। कहत रहे पर जे तब की बात है, जब तुम्हार पिता जीवित रहे, तो अब क्या बिगड़ गया अम्मा? गोविंदा छोटा है इसीलिए माँ का जरा लाडला रहा है, इसी लाड़ प्यार ने उसे मुँह फट बना दिया था। अबऊ हम बोझ भये तुमन लोगन पे, जानत नहीं का बबुआ तुम? जाओ पूछो तुम्हार महतारू से। जे बात नहीं है अम्मा, थोड़ा बहुत तो तुम ही एडजस्ट नहीं कर पा रही। तुम्हार लड़की लोग होती तो क्या तुम इतनी सख्त होती उनके लाने? काना काना रक्षा करो हमारी, काना ने लड़की ना दी हमें, तबऊ तो हम पे जे जुलम ढा रही तुम्हार लुगाई। हमऊ से गलती भई बबुआ, सारी गलती हमारी, जो हम उनके लाने प्रेम से रहीं। सोचती थी कि हमार लड़की पैदा ना भई तो हम बहू को ही उसके हिस्से का प्रेम दें, किंतु जे लोग तो हमारे सर पे बैठ गईं। अम्मा अपने इष्ट को याद करके रोने लगी थी। अम्मा जे बात नहीं है, तुम प्रेम तो करती हो पर साथ साथ सर पर टोला भी देती हो, फिर चाहती हो कि सब तुम्हें प्रेम से पूछें, तुम्हारी कदर हो, खाबे के साथ रुलाबे की आदत है तुम्हारी। वाके लाने ही परेशानी है बस। यकीन करो अम्मा, गोविंदा के खरे बोल पर अम्मा चिढ़ गई थी। हाँ हाँ, अब माँ हुई दारी, वह बीबी लग रही प्यारी, वे हो गई बेचारी और अम्मा हो गई न्यारी। ऐसी तो बात ना है, तुम चलो तो घर, हम सबको समझा देंगे, एक चानस और दे दो, चलो ना। ए अम्मा, मुरारी अपनी रूठी हुई अम्मा की चिरौरी कर करके थक तो गया था किंतु फिर भी वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। अम्मा चली गई तो महीना काटना मुश्किल हो जाएगा, इन औरतों को कौन समझाए अब, वह खुद से ही झींकने लगा था। ट्रेन चलने को हुई तो वह अम्मा को लगभग घसीटते हुए ट्रेन से नीचे उतार चुका था। अम्मा के चीखने चिल्लाने से वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। उसने अम्मा का मुंह अपनी हथेली से भींच दिया। अम्मा रो कम रही थी, चिल्ला ज़्यादा रही थी। अम्मा की गौं गौं की आवाज़ से मुरारी का ध्यान अपनी हथेली पर गया तो उसने घबरा कर अपनी हथेली हटा दी थी। अम्मा की कातरता ने उसे घबरा दिया था। अम्मा, ए अम्मा, तुम हो कि निकल ली? उसने हंसते हुए पूछा था। हो, अम्मा इस बार सच में ही दहाड़े मार कर रो पड़ी थी। आसपास भीड़ में से कुछ लोग उन पर हंसने लगे थे तो कुछ उन्हें इसे उनका फैमिली ड्रामा कहकर मजाक उड़ा रहे थे। मुरारी और गोविंदा दोनों बेटे किसी तरह रिक्शे में भरकर अम्मा को घर ले आए थे। अम्मा पूरे रास्ते अपने पुराने दिनों को याद कर करके दहाड़े मार रही थी। जांगे एक दिन तो हम जरूर जाके रहेंगे, देख लियो भैया, तुम सभी को सोते में छोड़ के कट लेंगे। यूं तो अम्मा का नाम रामप्यारी था
पर अम्मा नाम के उलट कृष्णा प्यारी होकर रह गई। उठते बैठते कृष्णा कृष्णा की टेर लगाए रहती थी। बचपन में मीरा की कृष्ण भक्ति सुनकर राम प्यारी भी भक्ति प्रेम में ऐसी डूबी कि कृष्ण को ही अपना ईष्ट देवता मान लिया। द्वारिका नगरी तीर्थ यात्रा से लौटते हुए नाना ने एक छोटी सी कान्हा की चांदी की मूरत ला दी थी। बस राम प्यारी उसे ही अपने सीने से लगाए लगाए घर आंगन में अंदर बाहर घूमती खेलती कूदती। पर मजाल की कान्हा की मूरत कहीं छूट जाती, ब्याह करके राम प्यारी मथुरा के हरे कृष्णा मोहल्ले चली आई। ब्याह के वक्त पति किशन लाल की उम्र थी 16 बरस और राम प्यारी कोई 14 बरस की थी। एक रोज सोकर उठी तो साड़ी पर ढेर सारे लाल सुर्ख गुड़हल के फूल उगाए थे। इन छोटे बड़े फूलों को बीनने की लाख कोशिश की थी उसने, किंतु हथेलियाँ रंग उठी थी उसकी, बहुत छोटी थी। तब त्यौहार पर अपनी छोटी छोटी हथेलियों पर आलता संजो कर रखती थी। उसका हाथ पूरे दिन हथेलियों से पसीज ही जाता पर भीगने नहीं देती थी। फिर भी कितना भी परहेज करे शाम ढलते ढलते आलता हथेलियों से पसीज कर बह ही निकलता था। ठीक वैसी ही ललाई इन फूलों को पकड़ने की जुगत में उसकी हथेलियों में भर भर आई थी। बुक्का फाड़कर आंगन के बीचों बीच तक दौड़कर आ चुकी थी राम प्यारी कि तभी सास ने पकड़कर नल के नीचे बैठा दिया था। 1 घंटे बाद वहाँ से उठी तो सारे गुड़हल भीग कर न जाने कहाँ पिघल चुके थे। बस रह गई थी तो कुछ कलियाँ जो हर माँ बेसब्र होकर खिल आया करती थी। सासू माँ कहती, मरी ये कलियाँ ही तो होती है जो पेट के न जाने किस खो में महीने भर पकती हैं, फिर एक रोज़ मौका देखकर खिल जाया करती हैं। इनसे प्रेम करना सीख, इस दर्द में भी एक मीठी सी कसक है पगली। मीठी सी कसक? सो कैसे, मुझे तो दर्द महसूस होता है। राम प्यारी की समझ के बाहर था कि क्यों हर माँ उसकी कमर पेट और सीने में खिलती अधकच्ची कलियों में सिहरन भरा दर्द उभरने लगा था। उम्र जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो हर माँ में उम्र एक निश्चित सीढ़ी पर आकर रुकती और राम प्यारी को परिपक्वता का सबक सिखाती चली जाती थी। पल्लू में उभार आया तब तक राम प्यारी का दिमाग भी स्त्री देह की सभी अनकही बातें समझने लगा था। न सास को कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ी, न राम प्यारी को कुछ समझने की। कुछ भी कहो, राम प्यारी को मासिक धर्म के उन 5 दिनों का साथ बड़ा सुहाता था जब वह घर के एक कोने में ही सही किंतु चुपचाप पड़ी अपनी बकाया नींद निपटाती थी। कांच की बोतल में गर्म पानी भरकर वह देह की दुखती रगों की टीस से निपटाती। राम प्यारी को ये दूर बैठना सुहाता तो न था, पर आराम के उन दिनों में वह स्वयं के बेहद करीब होती थी। उसे दुख होता था तो सिर्फ एक ही बात का कि उन खास दिनों में वह अपने कान्हा के भी दर्शनों से वंचित हो जाती थी। राम प्यारी की खिड़की से लगकर झूलता कदम का बड़ा सा पेड़ था जिस पर रोज कोयल कूकती थी तो प्रतीत होता जैसे बरसों की आतुरता उसके हृदय को मथे जा रही हो। कभी कभी तो उस कोयल को भरी दोपहरी धुनकी चढ़ जाती थी। राम प्यारी दीवान फलांग कर खिड़की के किनारे खड़ी हो जाती और पत्तों से आच्छादित उस कदम की शाखों पर कहीं छिपी बैठी उस कोयल को ढूंढती रहती। फिर थक हार कर वहीं दीवान पर ढह जाती। उसी अवस्था में पड़े पड़े वह दीवान के मसनद में नाक गड़ाए देर तक लंबी लंबी सांसें लेती रहती। क्या कर रही हो बहुरानी? सास उसकी अजीब अवस्था को रंगे हाथों पकड़ गई थी कई बार। वह तो मैं कुछ जवाब देते न बनता तो वह हकलाने लगती थी। कुछ कहने की ज़रूरत ना आए, हम सब समझत रहे। वो तो मैं थक कर यूँ ही लेट गई थी अम्मा बबुआ के बिस्तर में। जवानी हम पर तो जैसन फूटी ही ना थी। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, वो तो मैं जांच रही थी कि जे कौन सा इतर लगाने लगे हैं आजकल। सास को मुस्कुराता देख राम प्यारी शर्मा गई थी। और वह कोयल क्या कह रही थी तुमसे? सासू माँ राम प्यारी से चूहल करने लगी थी। धत सासू माँ, आप भी हमें खींच रही हो अब। नहीं बहुरानी, जैसन हमने ना देखे या दिन, हम सब जानत हैं
यही तो है जो मीठी सी कसक होती है। देह की कच्ची कलियां इन्हीं कसक के सहारे ही तो फलती फूलती हैं, फिर मौका पाकर चटक कर अपनी खुशबू से हमारा आंचल भर देती है। धत, राम प्यारी लजा जाती और अंगिया को कसते हुए आंगन में चल देती। नया गोई कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तेरे मिलन तेरे मेरे मिलन की ये रहना। राम प्यारी गीत गुनगुनाती हुई अलगनी पर सूख आए कपड़ों को तह कर रही थी। उधर सासू माँ लगातार मुस्कुराए जा रही थी। अच्छा जे बात है, सासू माँ आज काहे इतनी मुलक रही हो? क्योंकि बबुआ दूजे गांव से आज ही लौट रहा है। वैसे मैं भी ये जानना चाहूँ कि तू जो इतना क्यों चहक रही है? वो कुछ नहीं, बस जे आ रहे हैं, सुमन प्रसन्न है आज। आप भी तो बार बार अपनी गीली हो आई आँखें पोंछ लेती हो, सो क्या है भला? एक तरफ माँ को बेटे के लौटने की आस है तो दूसरी तरफ नई नवेली बहू को अपने सुहाग का इंतज़ार। राम प्यारी अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। देर तक हृदय से मिला हृदय यूं ही अपनी छाती की तपिश से एक दूजे की भावनाओं को सहलाता रहता है। आज जरा ढंग से तैयार हो, कजरा टीका टमकी आलता गजरा और वही इतर भी छिड़क ले जो बबुआ को प्रसन्न है। धत, का कहती हो सासू माँ, जैसन हम जानत नहीं रही कि बबुआ के दीवान पर धरे मसनद में तुम क्या खोज रही थी? क्या सासू माँ तुम भी छेड़ रही हमें? देख बहुरिया, किशन लाल शहर से पढ़ लिख कर लौट रहे हैं। अब उनके खाने पीने आराम और तमाम सुख सुविधाओं का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम बीबी का धर्म पालो, बच्चे पैदा करो और हम सबकी सेवा करो। इसी में स्त्री का सुरग है, समझी कुछ? सुबह सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ कर लिया करो और मैके से लाई कान्हा की मूर्त को भी वहीं स्थापित कर दो। नाते रिश्तेदार देखते हैं तो हंसते हैं तुम्हारे बालपने पर। राम प्यारी को सासू माँ की सारी बातें पसंद आ गई थीं, किंतु अपने कान्हा की मूर्त को अपने से दूर करना उसको जरा खला था। जाहिर में वह सिर्फ यही बोली थी, 14 की उम्र है सासू माँ हमारी, हम सब समझती हैं। घर में अम्मा बापू को भी यही लगता था कि हम बड़ी हो गई हैं, सो हमारा ब्याह कर दिया, हम बड़ी हैं, सब समझ गई। सासू माँ अपनी छोटी सी बहुरिया की बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी, पर उसकी समझदारी से प्रभावित भी हो रही थी। राम प्यारी ने घर की जिम्मेदारी इतनी भली भांति ओढ़ ली थी कि सबसे छोटी होते हुए भी वह घर में सबसे बड़ी और चहेती बन चुकी थी। विदाई में नानी ने आशीर्वाद के साथ साथ कान में फुसफुसाया था, लाडो ससुराल में काम से सबका मन जीत लेना, ससुराल में इंसान की नहीं उसके काम की कदर होती है। बस नानी की उसी युक्ति को राम प्यारी ने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। घर के कामकाज के बाद पति के पहलू से लगी राम प्यारी के सबसे खुश पति के पहलू से लगी राम प्यारी के सबसे खुशनुमा क्षण होते थे। 15 की उम्र में राम प्यारी ने मुरारी को जन्म दिया था। पुत्र रत्न ने उसे ससुराल की आंखों का तारा बना दिया था। राम प्यारी सोचती कि क्या होता जो वह एक बेटी को जन्म देती, क्या तब भी सब उसे इसी तरह स्नेह और आदर देते? शायद नहीं। खैर, राम प्यारी वह सब सोचना नहीं चाहती थी, वह तो इस धरती और उस आकाश की तमाम खुशियों को अपने आंचल में भर लेना चाहती थी। वह खुशी में झूमना चाहती थी और कंठ भर भर के संगीत उड़ेलना चाहती थी। जब वह ऐसा नहीं कर पाती थी तो सारी इच्छाएं अपने बेटे की गतिविधियों में जीती थी। खिलाती तो मनुहार भरा गीत गाती, नहलाती तो खिलखिलाकर गाती। जब आंगन में खेलने दौड़ता तो वह उसकी पायलों के लटकते हुए बूंदों में अपने ख्वाबों को पिरो देती और देर तक उनकी रुनझुन सुनती रहती। शाम के धुंधलके में जब लोरी गुनगुनाती तो आसमानी ताकतों से तारे बटोर लाती और चांद को तरसा तरसा कर अपने लल्ला के इर्द गिर्द अंधियारी की चादर लपेट देती। लोरी गाती तो फिर यूं गाती कि सारा घर सोया रहता और वह गुनगुनाती ही रह जाती। मुरारी उसका नंदलाल बन गया था अब वह उसकी जसोदा मैया। वक्त बीतते बीतते गोविंदा उसकी गोदी में आ गया था। राम प्यारी की खुशियाँ अब जिम्मेदारी के बोझ से और दोहरी हो चली थी। क्या स्त्री का सुरग यही कहती थी नानी? तुम जो कहती थी मुझे अपने आशीर्वाद के साथ, नानी एक नन्हे से आशीर्वाद के साथ साथ तुम कितनी बड़ी
सख्त युक्ति मेरे कान में फुसफुसा गई थी। मैं न जानती थी कि तुम्हारे फुसफुसाए उस युक्ति मंत्र को निभाते निभाते जिम्मेदारी से मेरी कमर का दर्द, पिंडलियों की गांठें, सीने में सकती और आवाज़ में कर्कश खराश उतर आएगी और मैं बुढ़ाते बुढ़ाते ढह जाऊंगी। नानी, यही वो युक्ति थी? ये सुरग हम औरतों को ही क्यों मिलता है, तो क्यों ना हम नरक की सीढ़ियाँ चढ़ें? कम अज कम जिंदगी हम अपनी मर्जी से तो जी लें। रामप्यारी सिसकने लगी थी। देह के कोने कोने में छिपी न जाने कौन कौन सी नसें कसकने लगी थी, मगर उसके सारे सवाल निरुत्तर थे। ये वही सदियों पुराने प्रश्न थे जिन्हें हवा में त्रिशंकु बनकर लटकने का श्राप मिला था। वे शापित हैं, उनका निरुत्तर रहना ही नियति है। हम इसी नियति में औरतों की किस्मत का फैसला भी शामिल होता है। रामप्यारी को पति किशनलाल का भरपूर प्रेम नसीब था। रामप्यारी को पति से कोई शिकवा न था, न ही किशनलाल को रामप्यारी से कोई गिला। दोनों बच्चों की उम्र के साथ साथ रामप्यारी और किशनलाल के बालों में भी सफ़ेदी उतरने लगी थी। किशनलाल कहता, रामप्यारी तुम हो इन बच्चों की बहू, तुम तो इन बच्चों की बहुओं और पोते पोतियों में खप जाओगी, मगर मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? तुम भगवान से दिल लगाना, उन्हीं की सेवा में अपना सुकून तलाशना। वाह जी, हम बुढ़ा जाएंगे और तुम क्या हमेशा ही छड़ी छांट बनी रहोगी? किशनलाल और रामप्यारी की चुहलबाजियों के बीच कौन जानता था कि एक रोज़ किशनलाल गहरी नींद में ही भगवान से अपने मन के तार जोड़ बैठेगा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर बड़े सुकून से चिरनिंद्रा में समा जाएगा। पेंशन बन जाएगी, मातम पुरसी करने आए लोगों में से न जाने कौन बोला था। हाँ, बच्चे तो पल ही गए हैं, बस तनिक और रुक जाते किशनलाल तो उनकी ब्याह शादी भी देख जाते। होने के काम सब होते हैं भाइयों, जाने वालों को कौन रोक सकता है? पीले पत्ते झड़ते हैं तो दुख नहीं होता, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। किंतु किशनलाल की भी अभी उम्र ही क्या थी, सो तो है। कभी कभी तेज आंधियों के थपेड़े पके पत्तों के साथ साथ असमरे पत्तों को भी उड़ा ले जाते हैं। 12 दिवस जमीन पर चटाई डालकर पड़े पड़े रामप्यारी की कमर ही अकड़ने लगी थी। शिकायत करती भी तो किससे, पति भी तो उसी का गुजरा था, अब इतना तो सहन करना ही पड़ता। उबली सब्जियां और सूखी रोटी खा खा कर उसके मुंह का स्वाद ही उसे पराया सा लगने लगा था। सफ़ेद रंग तो चलो फिर भी पसंद का था, सोने की चूड़ियां उसने खुद ही उतार कर बेटों के सुपुर्द कर दी थी। रामप्यारी को एकाकीपन खलने लगा था। उसने बरसों के बाद कान्हा की मूर्ति को मंदिर से लाकर पुनः अपने कमरे में सजा लिया था, साथ ही चंदन का टीका भी। नियति को सहजता से मंजूर करना औरतों की आदत न सही, मजबूरी भी नहीं होती। दरअसल इस सहजता के कारण तो वह चार दीवारी में रहते हुए भी अपने जीने की हजार हजार वजहें तलाश लेती है। कान्हा को नहलाना, उनके कपड़े बदलना, हार श्रृंगार करना, भोग चढ़ाना और भजन गाना, यही तो विधवा जीवन जीने की वे वजहें थी जो रामप्यारी को अपने घर के पुरखों से वसीयत में मिली थी, जिनके द्वारा उसका बाकी जीवन आसान होने वाला था। ठीक वैसा ही जैसा उसके घर की बड़ी बूढ़ियों का बीता था, बहाने बहाने से। हाँ, और नहीं तो क्या, काना खाएं पूरी हलवा तो रोज खाएं हमऊ छप्पन भोग। हे, बाल विधवा हुई बुआ बचपन से ही सारी चालाकियां सीख गई थी। हाय बुआ, तुम तो बेईमानी कर रही हो। अरे चप लड़की, का कह रही हो? हरे कृष्णा, इसे बेईमानी ना कहते हैं, इसे कहते हैं पूजा पाठ, सेवा और आदर भाव, समझी? बुआ कानों को छूकर भगवान से माफ़ी मांगते हुए धीमी आवाज़ में उसे डांटते हुए बोली थी। रामप्यारी ने पेंशन संभाली और पेंशन ने बच्चों को। फिर कुछ यूं गुजर बसर होने लगी थी उसकी ज़िंदगी। आंगन में पुराना पीपल जब जब अपने पीले पत्ते झाड़ता, तब तब रामप्यारी भी अपनी उम्र में से एक बरस उतार कर घर के पिछवाड़े टांग आती थी और मौसम की आहट बदलते ही आम पर जब भी पहला बौर खिलता तो रामप्यारी अपने अनुभवों की ओढ़नी से अपने आप को कसकर लपेटती चली गई थी। बरस दर बरस बीते,
फिर रामप्यारी के कमरे की सफ़ेद बत्ती बदलकर पीले लट्टू में परिवर्तित हो गई थी, बल्कि संध्या ढलने से बहुत पहले ही उसके कमरे की बत्तियां भी बुझने लगी थी। और कई दफ़े तो यूं भी होता था कि रामप्यारी खटिया से उठती ही नहीं थी तो उसका कमरा अंधियारे की स्याह चादर ओढ़े उसके साथ साथ ही गहरी नींद में जज्ब हो जाता था। घर में उसकी याद कभी किसी को आती या ना आती थी, पर कान्हा उसे सुबह शाम याद दिला ही देते थे कि रामप्यारी के बिना उनके सामने घी का दीपक भी जलाने कोई नहीं आता। रामप्यारी की व्यथा उस घर में कोई समझता था तो वह एक बस उसके कान्हा ही थे। एक रोज़ रामप्यारी पर चढ़ाई असमय पकी उम्र के उन सलेटी बालों पर बड़ी बहू की नज़र पड़ गई। जूड़े में खौंसी चांदी की पिन उसे कुछ यूं रास आ गई कि वह पति से जिद कर बैठी कि चाहिए तो बस वही पिन चाहिए जो अम्मा के जूड़े में अटकी है। छोटी बहू को बड़की की वह जिद चुभी थी, जिद में वह भी ढीठता पर उतर आई थी। वह अपनी बात मनवाने पर उतर आई थी, उसकी नज़र तो कब से अम्मा के पैर में पड़े चांदी के कड़ों पर पड़ी थी। घर की शांति बनाए रखने के लिए अम्मा ने बिना किसी नान नुकुर किए अपने दोनों सबसे प्रिय गहने बहुओं के हाथों में सौंप दिए थे। वैसे भी यही दो चीज़ें थीं जिनके प्रति उसका मोह छूटता ही नहीं था। विधवा होने के बाद भी वह इन चीज़ों को अपने से विलग नहीं कर पाई थी, किंतु बहुओं की जिद के आगे उसने अपने मुंह को तिलांजलि दे दी थी। घर की बहुएं नई जमाने की पढ़ी लिखी लड़कियां थीं। वह न कान्हा के भोग के लिए रसोई निकालती, न अम्मा को इस बहाने पहले पहल भोजन परोसती। दिन चढ़े तक अम्मा चाय कलेवा को तरसती बैठी रहती, फिर आवाज़ देने पर नाश्ते का प्रबंध किया जाता। धीरे धीरे अम्मा की आवाज़ क्षीण होती चली गई और घर की दीवारों ने अपने कानों को अपने हथेलियों से ढांप लिया। बस तभी से उस घर की दीवारों के कान नहीं रहे, न ही उसमें बसने वाले लोगों के भी। रामप्यारी की आवाज़ उसके कमरे के भीतर दफन होने लगी थी और साथ साथ रामप्यारी भी। बहुओं को अम्मा की रत्ती भर भी पड़ी नहीं थी, वह तो दोनों बेटे ही थे जो उसे जीवित रखना चाहते थे। उसकी ज़रूरत अब महीने के अंत में ही पड़ती थी उन्हें। खाते में अम्मा की पेंशन जमा होती तो दोनों भाई अम्मा के ATM कार्ड से उसे निकाल कर बाँट लिया करते थे। यही फ़ायदा अम्मा की चलती सांसों की किस्त थी। अम्मा सब बूझती थी किंतु क्या करती, हाथ पैर से लाचारी और बच्चों का मुँह उसे मौन बनाए रखता था। मुरारी और गोविंदा अपने पिता की टाइपराइटर की दुकान संभालते थे। सुबह से शाम तक टक टक करते करते मेरी तो उंगलियों की 12 बज जाती है भैया, गोविंदा बड़ी मिन्नतों के बाद बड़े भाई के साथ दुकान पर बैठने को राज़ी हुआ था। अकेले मुरारी से दुकान का कामकाज संभलता न था। उनकी दुकान शर्मा टाइपराइटर दरबार स्कूल के ठीक सामने थी। उन दिनों वाणिज्य विषय नया नया सिलेबस में लगाया गया था सरकारी स्कूलों में। वाणिज्य विषय के छात्र न जाने क्या सोचकर टाइपिंग सीखते थे। शायद हर माँ बाप वाणिज्य पढ़ने वाले अपने बच्चों की सूरत में भविष्य के व्यवसायी या व्यापारी बनने का सपना देखते थे, खासकर गर्मियों की छुट्टियों में। सुबह से शाम तक कई बैच चलते थे। एक साथ इतने बच्चों को सिखाना मुरारी के लिए मुश्किल था, सो उसने गोविंदा को भी जबरन अपने साथ उसी दुकान के कामकाज में शामिल कर लिया था। हालांकि गोविंदा को इस काम से सख्त चिढ़ती, वह अपने पुश्तैनी कस्बे से निकलकर किसी बड़े शहर में बसना चाहता था, पर मुरारी ने उसकी मंशा पहले ही भांप ली थी। कहते हैं ना, मस्ताते सांड को जकड़ना हो तो खूंटे से बांध देना चाहिए। सो मुरारी ने 11वीं पास करते ही गोविंदा का ब्याह करवा दिया था। घर गृहस्थी की रस्सा कस्सी और जवान बीबी के मुँह पाश में जकड़ा गोविंदा अपने सपनों को भूलकर पेट की अग्नि को शांत करने की जुगत में जुट गया था। मुरारी का प्लान काम कर गया था। गोविंदा दुकान पर टाइपिंग सिखाने में मुरारी की मदद करने लग गया था। हालांकि मांग बढ़ने के साथ पूर्ति भी बढ़ने लगी थी। उसी तर्ज पर मोहल्ले में टाइपराइटिंग सिखाने की कई सारी दुकानें और खुल चुकी थी। वैसे भी मुरारी और गोविंदा की दुकान पर पड़े पुराने टाइपराइटरों की स्थिति देखकर छात्र नई दुकानों का रुख करने लगे थे।
ऐसे में दोनों भाई किसी तरह गुजारे भर की आमदनी कमा लिया करते थे, किंतु मैं बढ़ती महंगाई में परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी करते करते दोनों भाइयों में भी खींचातानी शुरू होने लगी थी। कभी कभार खुलकर सामने भी आने लगी थी। बदलते हालातों में दोनों भाई दुकान मकान और संपत्ति के बंटवारे की बातें भी सोचने लगे थे। इस कश्मकश के बीच दोनों भाइयों को अपनी माँ की याद महीने की अंतिम तिथि पर तो जरूर आ ही जाती थी। रामप्यारी की उस घर में किसी को जरूरत नहीं थी, हाँ मगर उसका होना फिर भी सबके लिए जरूरी हो चला था। भयंकर बारिश में टपकती छत से सीली हो उठी दीवारें जब ठंड से सिकुड़ने लगती हैं, तो अपने भीतर जज्ब हो चुकी कांपती नमी से बचने के लिए किसी बाहरी आवरण की तलाश करती है। अम्मा की स्थिति उस घर के कबाड़ खाने में पड़े उसी टूटे फूटे तिरपाल की मानिंद हो चुकी थी, जिसे ज़रूरत पड़ने पर रफू करके घर की निरंतर कमज़ोर होती आर्थिक स्थिति पर तान दिया जाता था, और ज़रूरत खत्म होने के बाद फिर उसी अंधेरे कबाड़ खाने में पटक दिया जाता था। अम्मा ने एक भरी पूरी उम्र गुजार दी थी। वह अपने अनुभवों की पकी रोटी को ठंडा कर करके टुकड़ा टुकड़ा चबा रही थी, ताकि आंतों की आंतरिक कुलबुलाहट को शांत करके किसी तरह अपने दिन काट सके। वे दिन रात बस काना से ही शिकायत करती और गाती रहती। गला अब भर भर आता था उनका, आवाज़ भर्रा जाती थी, फिर भी वह निरंतर गुनगुनाती रहती। मोरे काना लगाओ बेड़ा पार रे, जीवन नैया बिना पतवार रे। रामप्यारी दिन रात गुनगुनाती हुई काना से मिलन की कामना करती थी। बहुएं कहती, अम्मा पगला गई हैं, काना भरी जवानी में ना आए इन्हें संभालने, तो अब इन बूढ़ी हड्डियों को पार लगाने क्या आवेंगे। ना जिज्जी ऐसा ना बोलते, भगवान न जाने किस रूप में दर्शन दे देवे, किसे पतो है, छुटकी बहू को भगवान का डर है। चल तू अभी नादान है पगली। जिंदगी सारी जिंदगी अम्मा भगवान के नाम पर रसोई का पहला भोग जीमती रही, क्या तुम नहीं समझती ये सब। हाँ ये चालाकी तो हम बूझ ही नहीं पाई। छुटकी वाकई इन सबसे अनजान थी। अब इतनी भी भोली न बनो, तुम दो बच्चों की अम्मा हो गई हो। अब जिठानी के लताड़ पर छुटकी चुप नहीं रहती, वह जिठानी के मुंह लगने लगती है। अब तुम्हारी जैसी चालाकी तो आते आते ही आवेगी ना जिज्जी। वह हंसती है तो जिठानी आंखें तरेर कर उसे कहती, हाँ अब अम्मा का फायदा हम ही तो नहीं लेते अकेले, तुम लोग भी तो आधी तनख्वाह बंटवाते हो हर महीना। चलो जाने दो जिज्जी, अम्मा बनी रहें, इतनी सेवा तो हमें करनी ही चाहिए उनकी। छुटकी के तर्क में दम था, सो बड़की हाँ में हाँ मिलाने लगती। हाँ अभी उसी रोज भागी जा रही थी तुम्हारे जेठ जी स्टेशन से पकड़ कर लाए, बड़ी मशक्कत से लाए। क्या बस यूँ कहो कि रिक्शा में भर लाए, वरना वे तो चल ही दी थी जिज्जी। जानती नहीं वहाँ साथिनों की क्या दुर्गति होती है। कहाँ जाना चाह रही थी वे, द्वारिका? अरे नहीं रे पगली, द्वारिका में कोई ठोर नहीं है विधवाओं का। जे तो जाना मांग रही हैं पूरी धाम। जगन्नाथपुरी? हाँ जगन्नाथपुरी, सुना है वहीं विधवाओं को आसरा है, हजारों हजार विधवाएं पल रही हैं वहाँ, मिट्टी के लोटे में उबला भात खाकर उम्र गुजार रही हैं बेवाएं। तुम्हें कैसे पता जिज्जी? छुटकी बहू हैरत से पूछती। बचपन में जाना हुआ था मेरा एक दफ़े, मंदिर के पंडे एक बड़े से बांस की खपच्ची से न जाने क्या सिर पर टक टक मारते हैं। वे भापते होंगे जीजी कि किस दिमाग के भीतर कितना भेजा है, या कितने खाली खोपड़ी लिए वहाँ चले आ रहे हैं। छुटकी की ठिठोली पर बड़ी बहू चिढ़ उठती है। चप, ऐसा ना है, वे उनका आशीर्वाद देने का तरीका हो गए हैं पगली। कभी जाओ तो देखो क्या बेखतरी है वहाँ, घर से भाग आई या फिर समाज से दुत्कारी गई विधवाओं की, खासकर बाल विधवाएं, न घर की न घाट की, न विधवा न सुहागिन, बस दासियां होकर जिंदगी काट रही हैं। जिज्जी पर अम्मा को क्या डर है, अब इस उम्र में वे करेंगी क्या वहां जाकर, जाएंगी और उबला भात खाएंगी, या हम पे एतबार ना आए उनको। अरे उनकी औलादें हैं हम, अगर पैसा खा भी लेंगे तो कोई गजब हो जाएगा। आखिर हमारा भी कोई हक है उनके, हक है कि नहीं उनके पैसों पर, उनके बाद हमें ही तो मिलेगा सब। जिज्जी तुम तो अभी से ही हक जमाने लगी हो। क्यों रे छिटकी? छुटकी तू क्या कम निकली, अम्मा के पैर के कड़े हजम कर गई जैसे हमें कुछ खबर ही नहीं। अब जिज्जी बांट चूट कर खाना और बैकुंठ में जाना,
क्यों रे जिज्जी, तू बैकुंठ में जाना? हूँ, हमने तो इतनी सी जूड़े की पिन ली थी, तुम तो बड़े भारी कड़े डकार गई। चलो जिज्जी, जैसे हम जानती नहीं, तीन पिने थी उस गुच्छे में, एक दांत कुरेदने की, दूसरी कान का मैल निकालने की और तीसरी बालों की। अब रहने दे, क्यों बात बढ़ा रही हो छोटी? अब हम दोनों मिल बैठकर हिसाब कर लेती हैं कि कौन क्या लेगा। देवर जी और तेरे जेठ जी को भी बिठा लेते हैं साथ में, अब पहली फुर्सत में यही करना होगा। जी जी एक बात सुन लो, वह अम्मा के चांदी वाले काना तो हम ही लेंगी, जो अम्मा अपने मैके से लाई थी। ले ले, तू ही ले ले, वैसे भी उसे अम्मा से मांगना अपनी सिर कुटाई करना है, सो तू ही कर लेना बहन। बड़ी बहू किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, और अम्मा के खाते के कागजात तो तुम ही रख कर बैठी हो। जीजी हमें भी तो बताओ कि कितना पैसा इकट्ठा है उसमें, देख लियो पुराना कुछ पड़ा होगा, बाकी पेंशन तो हम बांट ही लेवे हैं, हर माह आधा आधा। अम्मा का खर्चा तो अम्मा के पैसों से ही उठ जाता है, आर्थिक रूप से तो अब तक बोझ न बनी वे हम पर, भविष्य में बीमार वगैरह पड़ गई तो देख लेवेंगे, सहेंगे बोझ आधा आधा। छुटकी हमेशा फैसले पर आ जाती है, शायद कम उम्र की जल्दबाजी उसकी बातों में उभर आती है, किंतु वह कभी एक तरफा कभी नहीं सोचती। उसके फैसले में अम्मा को लेकर एक नर्म रुख हमेशा झलकता था, जबकि इसके उलट बड़की बहू कुछ सख्ती से पेश आती थी अम्मा के मामले में। मुरारी और गोविंदा दुकान से लौटकर दोनों औरतों की आपसी उठापटक सुन रहे थे। दोनों भाई चुपचाप इस स्थिति का माजरा ले रहे थे। उनके दिमाग की खुराफातों को औरतों की प्लानिंग ने और पुख्ता बना दिया था। गोविंदा ने मुरारी की तरफ एक प्रश्न उछाला था, अम्मा किसके पाले में आएंगी? तुम्हें हमेशा अम्मा ने मुझसे ज़्यादा प्रेम दिया है। मुरारी अम्मा की प्रेम तराजू में अपने पलड़े को तोलने लगा था। किंतु तुम घर के बड़े बेटे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। आज के ज़माने में ये सब फालतू की बातें हैं। मुरारी ने अपने विचारों का आधुनिक रूप गोविंदा के समक्ष रखा था। सोच लो, समाज क्या कहेगा, पापा के मरने पर घर के मुखिया होने का जिम्मा उनकी पगड़ी के रूप में तुम्हें ही पहनाया गया था। गोविंदा के तर्क में चालाकी थी, सब कुछ आधा आधा है तो अम्मा भी बांट ली जाएगी, 6 महीने हमारे साथ और 6 महीने तुम्हारे संग रहेगी, मंजूर है हमें। गोविंदा अपने सहमति में सिर हिलाते हुए अम्मा के दरवाजे की ओर देखने लगा था, जहाँ से अम्मा के काना को टेरने की अटूट ध्वनि सुनाई दे रही थी। जे अम्मा का सिर भी नहीं दुखता क्या? कसम से हमारा माथा घूमने लगता है, घर पहुंचकर भी शांति न मिले तो दिन भर का थका हारा आदमी जाए तो जाए कहाँ। गोविंदा जोर जोर से पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया था। उसके पीछे पीछे उसकी बीवी भी भीतर दौड़ गई थी। रामलीला अपने राम को रचानी है और नाम अम्मा का लेकर देखो कैसे लोग लुकाई दिन दहाड़े कमरे में बंद हो गए, तुम भी सीखो कुछ। बड़ी बहू मुरारी की तरफ आंख मारते हुए मुस्कुराई थी। चूहल आ रही है तुमको, चलो नहाने का पानी गर्म करके हमारा सिर धुलवा दो। हाँ हाँ, जैसे हम समझती नहीं, तुम्हारे ये चोचले भी वैसे ही तो हैं, बहाने बहाने से हमें सताने के, सिर धुलवाने के बहाने। अरे कुछ तो शर्म हया करो, अब हम वह पहले वाले छोरे ना रहे, ना ही तुम नई नवेली छोरी। मुरारी को अपने पुराने दिन याद हो आए थे, किंतु बंटवारे और अम्मा का मसला उसके दिमाग में अब भी हावी था। उधर गोविंदा के मन में यही चल रहा था कि अम्मा के पास गहने तो और होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह छुटके के प्रेम में उसे ही सारा ढका छिपा धन या गहने सौंप दें। कोई तरकीब तो चलानी पड़ेगी, क्यों ना अम्मा का बंटवारा किया जाए और पूरे 12 महीने अपने ही पास रख लिया जाए। कम से कम गहने की पोटली हाथ आने तक तो ये रस्म निभाई ही जा सकती है, बाद में अम्मा की 6-6 महीने की किस्त बांध लेंगे। क्यों जी, क्या गुसलखाने में ही सो गए क्या? बाहर से मुरारी की घरवाली साकल पीटने लगी थी। उसे ख्याल आया कि वह करीब 1 घंटे से अपने विचारों में खोया गुसलखाने के भीतर ही बैठा था। पानी कप का ठंडा हो चुका था। उसने 2-4 लोटे उड़ेले और बाहर निकल आया था। दरअसल इन 2-4 लोटों में भरकर जल ही नहीं, उसने वे विचार भी प्रवाहित कर लिए थे जो उसके दिमाग में फिल वक्त पन पे थे।
दृढ़ निश्चय अब उसका सुकून बन चुका था। उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उस रात वह जल्दी और गहरी नींद सोना चाहता था। अगली सुबह कुछ अधिक ही नमी समेटे उगी थी। सूरज था कि निकलता ही नहीं था। हाँ, उसके चारों ओर लाल, पीले और नारंगी रंग के धधकते आभा मंडल से जान पड़ता था कि कहीं वहीं कहीं बादलों के पीछे से उकस के अभी हाल सूरज बाहर आकर झांकेगा और जग पर छाए अंधियारे को परे धकेल कर कहेगा कि दूर हटाओ ये उदासी, अरे चलो देखो कि दिन चढ़ाया है। बच्चे तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। सबने नाश्ता निपटाकर चाय के झूठे कपों की मानिंद अपने अपने हिस्से की चिंताएं भी आंगन में रख दी थी। मुरारी और गोविंदा दुकान जा चुके थे। बहुएं कपड़ों को पसीटती हुए आपस में रोजमर्रा की तरह बतियाने लगी थी। अम्मा अभी उठी नहीं आज? ना काना की टेर, ना ऊपर वाले से कोई शिकवा न शिकायतें। तुमने चाय नाश्ता तो पहुंचा दिया था ना छुटकी? उई अम्मा, मोरी अम्मा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई जीजी। छुटकी चूंकी तो किंतु दोनों ही साथ में हाथ से धोकना और पछीटे कपड़े फेंक कर एक साथ भागी। 12 बज गए और अम्मा की आवाज़ भी नहीं। अजीब सन्नाटा कमरे के बाहर तक आकर फैला पड़ा था। दरवाजे को छूने भर से वह एक और लुढ़क गया था। भीतर अम्मा की सूनी खटियां त्योरियां चढ़ाए दोनों बहुओं को ताक रही थी। दीवारों की बहुओं पर रात भर का क्रोध अजीब सा अकड़ा पड़ा था। ओए अम्मा, ये क्या है जिज्जी? फर्श में यहाँ से वहाँ सिंदूर फैला पड़ा था, मानो किसी ने सिंदूर से होली खेली हो। अम्मा, ओ अम्मा, यहाँ तो कोई भी नहीं है जिज्जी। अम्मा के काना भी गायब है छुटकी, वह देखो उस संदूक का ताला भी खुला पड़ा है। बड़की बहू के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी थी। अब जाएंगे एक दिन तो हम जरूर जाके रहेंगे, देख लियो भैया, तुम सभी को सोते में छोड़ के कट लेंगे। मुरारी के दिमाग में हथौड़े चलने लगे थे। हो न हो अम्मा जगन्नाथपुरी गई होंगी, कागजात, गहना, गांठा सब गायब। कहीं इसमें गोविंदा की कोई चाल तो नहीं? तमाम सवालों से मन ही मन जूझते हुए उसने गोविंदा के साथ जगन्नाथपुरी की ओर रुख किया था। एक एक धर्मशाला खंगाल डाली थी उसने, किंतु अम्मा का कहीं कोई अता पता ना चला था। थक हार कर वे दोनों भाई घर लौट आए थे। 6 माह बाद एक बेनामी पत्र ने उनके द्वार पर दस्तक दी थी। हमऊ ठीक हैं, अपना गुजारा खुद चलाना सीख ही लिया होगा अब तक तुम दोनों ने। हमने सारा रुपया पैसा धर्मशाला में दान देकर अपने बचे कुछे जीवन के लिए एक कमरे का इंतजाम कर लिया है। बच्चों को बहुत प्यार, छुट्टियों में उन्हें यहाँ लाना, कभी एक साथिन की कहानी सुनाएंगे। साथिन कृष्णा प्यारी। तो मित्रों, ये एक कहानी थी साथिन, जो एक बच्ची राम प्यारी की कहानी है कि कैसे वह, इसके रचना प्रक्रिया के बारे में मुझे बोला गया था कि मैं थोड़ा बताऊं। तो ये दरअसल एक ऐसी स्त्री की कहानी है, बच्ची की कहानी, जो राम प्यारी होती है और शादी होके वो ससुराल में आती है और उसके दो बच्चे गोपाल और मुरारी होते हैं और दोनों बेटे, जैसे कि ये समय है अभी बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो दोनों उसका गहना, पति की मृत्यु के बाद उसका गहना और सब हड़प लेना चाहते हैं दोनों ही अपने अपने हिस्से का। और माँ जो बूढ़ी होती है, उसकी ज़रूरत सिर्फ पेंशन भर के लिए होती है, पेंशन भी वे दोनों आधी आधी बांटते हैं। और अंत में ये भी जिक्र करते हैं कि अगर अम्मा बीमार हुई तो आधा आधा बांट लेंगे, या अम्मा को 6-6 महीने की किस्त, मतलब जो माँ एक अपने दोनों बच्चों को इतने प्यार से, दो बच्चे हों या जितने भी बच्चे हों, हर माँ अपने बच्चों को प्यार से पालती है, लेकिन वही माँ बूढ़ी जब हो जाती है तो उन्हें बोझ लगने लगती है। यही माँ लेकिन उनकी बातें सुन लेती है और अंत में ये निष्कर्ष लेती हैं, और ये कि वो
जाना जाती हैं जगन्नाथपुरी, तो वो सारा पैसा गहना लेके जगन्नाथपुरी चली जाती हैं और वहाँ धर्मशाला में पूरा दान कर देती हैं और अपने लिए कमरे की व्यवस्था वहाँ कर लेती हैं और वहीं रहती हैं और उनको बच्चों को पत्र लिखती हैं कि मैं यहाँ आ गई हूँ और अब तक तुम दोनों ने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया होगा। लेकिन यहाँ माँ अब भी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ती है और ये कहती हैं कि छुट्टियों में किसी दिन बच्चों को यहाँ लेके आना, उनको एक साथिन की कहानी सुनाऊंगी। और बाद में लिखती हैं साथिन कृष्णा प्यारी, कि वो जो एक निर्णय लेती हैं कृष्णा की भक्ति में वो लीन रहती हैं और ये निर्णय लेती हैं कि वह जाके जगन्नाथपुरी रहेंगी। तो ये कहते हैं कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जो माँ हैं, माता पिता हैं, वो उनको हर कदम पर एक सबक सिखाते हैं। और यहाँ भी इस माँ ने एक सबक सिखाया, अपने पैरों पे खड़े होने का सबक। और मैं देख लेती हूँ कुछ अगर इसमें कमेंट हैं तो। शशि प्रभा वाजपेयी जी ने कहा है कि बालिका वधू से लेकर वृद्धावस्था तक मध्यवर्गीय स्त्री जीवन की मार्मिक गाथा। जी हाँ, धन्यवाद। ये कहानी दरअसल मैं जगन्नाथपुरी गई थी एक बार और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ कैसे जो विधवा हैं, बाल विधवाएं हैं और वहाँ रहती हैं, उबला भात खाती हैं। और लेकिन वो वहाँ या तो समाज से धुतकार दी गई हैं या कुछ जो है अपने परिवार से, इसी तरह से जैसे कि ये अम्मा चली जाती हैं अंत में, इसी तरह से अपने कुछ के तो बच्चे वहाँ छोड़ जाते हैं, कुछ खुद ही बच्चों की जो लापरवाही से परेशान होके या अपने परिवार से परेशान होकर वहाँ जाना चाहती हैं और वहाँ कृष्ण भक्ति में लीन रहकर अपना अपनी वृद्धावस्था में वहाँ भक्ति भजन में लीन होती हैं। तो ये भी कहानी मैंने सोचा था कि कुछ एक कहानी लिखूँगी। तो वहाँ उनको साथिन कहा जाता है या कृष्णा प्रिया भी कहा जाता है, बहुत पहले देवदासियाँ भी कहा जाता था, लेकिन मैंने यहाँ ये टर्म साथिन को एक विषय वस्तु केंद्र विषय मैंने बनाया है, ही लेंगे। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं पहले अपना परिचय नहीं दे पाई थी, कुछ लोग जो जानते हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि मेरे 3 कहानी संग्रह आए हैं। ये पहला कहानी संग्रह था, एक कुछ तो बाकी, फिर है एक ये जो कहानी संग्रह मेरा नमक हवाओं से आगे, जिसमें से मैंने ये कहानी साथिन आज पढ़ी आपके लिए, फिर एक है ये नमकसार कहानी संग्रह मेरा, और फिर ये एक इस बार ये नमकसार और कुछ तो बाकी कहानी संग्रह सामयिक प्रकाशन दिल्ली से आए हैं और हवाओं से आगे जो है शिल्पायन से आए हैं। ये अभी इस पुस्तक मेले में मेरा एक उपन्यास आया है गली हसनपुरा, जो कि खासा चर्चित हो रहा है, आप ही लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। ये आधार प्रकाशन पंचकूला जो में जो है वहाँ से आया है। तो आप लोग पढ़िएगा, इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरी जो अब आगे आने वाले संग्रह में आएंगी। दोस्तों, इस नकारात्मक हो चले समय में जन सरोकार मंच टॉक से मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया अपनी कहानी सुनाने के लिए, तो मैं जन सरोकार मंच टॉक का तो धन्यवाद देती हूँ, साथ में मैं आप सभी दोस्तों का जो यहाँ मुझसे जुड़े उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस उदासीन वक्त में आपने मुझे सुना और एक सकारात्मकता प्रदान की कहानी सुनकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर जन सरोकार मंच टॉक का, कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह से कहानी पाठ के जरिए लोगों से जुड़ना, अपने पाठकों से, अपने दोस्तों से जुड़ना। कहानी हम लिखते हैं लेकिन जब पढ़कर सुनाते हैं तो ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं, और ऐसे मौके कुछ ये कह लीजिए कि ये भयावह समय है, लेकिन लोगों से इस मौके इस तरह से जुड़ना, इसमें से एक ये एक अच्छी बात निकल कर आई है। तो हर बुरे वक्त से जैसे हम सीख लेते हैं, तो ये ऑनलाइन जो श्रृंखलाएँ चल रही है या वेबिनार है, इससे एक ये अच्छी बात निकल कर आई है इस भयावह समय में कि हम सबसे मिलकर, पाठकों से मिलकर कुछ सकारात्मक समय बिताते हैं आपस में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत ध्यान रखें और सकारात्मक बने रहें, रचनात्मक बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।